श्रीता और आप देख रहे हैं श्रीता एक्वाटिक्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग फिट फाइन हेल्दी होंगे। तो आज हमारे प्रकृति माँ ने हमको बहुत सारे अनमोल वस्तुएं दी है, उसके अंदर एक्वेरियम एक चीज है। एक्वेरियम सुनते ही आपको ये मन में आ रहा होगा कि एक्वेरियम एक छोटा सा या सिंपल सा एक बाउल या टैंक है जिसके अंदर फिशेस रहते हैं और उसका कोई यूज नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसके अंदर भी बहुत सारा साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है, उसके अंदर भी बहुत सारा वास्तु है, घर का वास्तु। तो बात कर देते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं वास्तु के बारे में। वास्तु के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार एक्वेरियम रखने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, वेल्थ बढ़ती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। और जब हम फिशेस को फीड करते हैं, वो फिशेस को फीड करने के फिशेस को जब हम फीड करते हैं अपने हाथों से, जब लक्ष्मी को पूजा की तरह माना गया है, जैसे हम लक्ष्मी माँ को पूजा करते हैं उसी तरह फिश को जब हम फीड करते हैं सेम पुण्य की प्राप्ति होती है और घर के अंदर का वातावरण भी अच्छा हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होता है, बहुत सारा अच्छा सा फैमिली बॉन्ड डेवलप होता है, हार्मोनी डेवलप होती है। और अगर आप चाइना या जापान को जाएंगे तो वहाँ पर आप पक्का देखेंगे कि हर एक घर के अंदर कोई ना छोटा या बड़ा पॉन्ड या एक्वेरियम होगा, क्योंकि वहाँ का लोगों का ये मानना है कि फिशेस वेल्थ को, पीसफुलनेस को अट्रैक्ट करती है। और ये हो गया ये वास्तु बेनिफिट्स, फेंशुई बेनिफिट्स। और अभी हम बात करते हैं साइंटिफिक बेनिफिट्स की। साइंटिफिक बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो साइंस की माने तो फिशेस को 10 मिनट रोज देखने से एंग्जाइटी कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, इरिटेशन कम होता है और हमारा अच्छा आईक्यू, आई अगर आपको आई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो सकता है फिश के मूवमेंट्स देखने से। रिलैक्सेशन मिलती है और ये भी एक मेडिटेशन की तरह ही आप सोच सकते हो रोज 10 मिनट एक्वेरियम को देखना। और आपको जो है मेन इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो एक्वेरियम देखने से बहुत सारा सीख सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग सीख सकते हैं। जैसे एक्वेरियम के अनुसार, एक्वेरियम को अगर हम देखें तो उसके अंदर भी बहुत सारे, जैसे पीएच क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, धीरे धीरे समझ सकते हैं आप बच्चे भी। तो इससे बच्चों को भी लोनलीनेस फील नहीं होता है। अगर आप बात करें अदर पेट्स की, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, वो बार बार घूमते रहते हैं, उनको संभालना उतना ईजी नहीं होता। अगर एक्वेरियम की बात करें तो वो घूमता नहीं है, एक प्लेस में स्टेबल रहता है, उससे बहुत सारे, इसीलिए वो लो मेंटेनेंस है, उससे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए आप हर एक घर में, मैं एक्वेरियम हॉबीस्ट हूँ, मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि हर एक घर में एक्वेरियम होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपने आज समझा कि एक्वेरियम रखने से क्या क्या बेनिफिट्स है। नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखेंगे कि बिगिनर फिशेस क्या है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट फिश हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपके प्लेस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना श्रीता एक्वाटिक्स। तो अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिकॉर्डिंग तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे संपन्न कर सकते हैं। थैंक यू।